मोतीलाल है, मैं माता का छोटा सा सेवक हूँ। आज शारदीय नवरात्र में माता चरपुत्री का प्रथम दिन दर्शन होता है, इन्हीं के साथ साथ नौ देवी का नौ दिन दर्शन होता है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आई हैं और नौका पर इनका विदाई है, इसलिए सुख समृद्धि की बहुत आशा है कि देश में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। और मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे कोरोना खत्म हो गया, एक आपदा आई थी, उसी तरह देश में जितने भी आपदा हों सब खत्म हो जाएं और पूरा हमारा देश बल्कि पूरा विश्व सुख शांति के साथ जीवन यापन करे और सभी लोग आनंद करें। आज पहला दिन नवरात्र का है और माता चरपुत्री का दर्शन होता है, किस तरीके की मान्यता होती है माता की? ऐसा है, ये हिमालय पुत्री हैं इसलिए इनका नाम चरपुत्री पड़ा हुआ है। इनके दर्शन मात्र से सभी दुखों का कष्टों का नाश होता है और धन धान की पूर्ति होती है। आप जैसी भावना रखेंगे माता वैसी फल देंगी। माता पे एक फूल से भी आप पूजा कर सकते हैं, एक गजरे से पूजा, लेकिन भाव होना चाहिए भक्ति श्रद्धा, तभी आप सफल हैं, तभी माता स्वीकार करती है। सुरक्षा व्यवस्था पूरा पुख्त है, नवरात्रि का आज पहला दिन है, जैसा हम सबको पता है लगभग 8 बजे तक 50,000 की अनुमानित भीड़ आ चुकी है यहाँ पे। महिलाओं और पुलिस पुरुषों की जो एंट्री है वो अलग अलग है और दोनों का एग्जिट भी अलग अलग है। पर्याप्त मात्रा में CCTV कैमरे लगे हैं और उसका निगरानी किया जा रहा है। एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है शैलपुत्री, जो बराबर जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसको नज़र रखेगी। मैं सुधा वर्मा लक्सा से आई हूँ, यहाँ पर पहला दर्शन है शैलपुत्री जी का। कोरोना काल से 2 साल तक मैं यहाँ पे नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार मैं पहले दिन पे 9 दिन दर्शन करने जाती हूँ। जहाँ जहाँ देवी जी हैं, जिस दिन जिस देवी का रहता उसी दिन मैं जाती हूँ। तो आज ये पहला दिन है तो मैं यहाँ शैलपुत्री में आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का मंदिर और यहाँ का जो सिक्योरिटी है सब सही है, मेरे हिसाब से सही है। क्या मान्यता है प्रथम दर्शन के लिए? अब मान्यता तो अभी तो इतना मुझको जानकारी नहीं, लेकिन हाँ कि दर्शन करने से जो आप मांगेंगी वो तो है कि मिल जाएगा। इच्छा अपनी इच्छा रखना है, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो इंसान मांगता है सब सब मिलता है। तो दर्शन कैसा मिला, सुरक्षा व्यवस्था कैसी? सुरक्षा दर्शन तो मुझे तो अच्छा मिला, न लाइन में धक्का धुक्की न कुछ, और सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ही सही है मेरे हिसाब से। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। आज रहने वाली है रमना। आज कहाँ आई हैं दर्शन करने? आज आए हैं शैलपुत्री जी दर्शन करने। जलपुरा नवरात्र का पहला दिन है। हाँ नवरात्र का दर्शन किया? पहले तो यहीं पर किए हैं ना, शैलपुत्री जी की हैं। कैसी मनोकामना है माता की? मनोकामना तो बहुत अच्छा है, जो मांगो तो मिलता है, करता है। मनोकामना उन्हीं का पहला दर्शन है। क्या मान्यता है कि पहला दर्शन माता का होता है, और कितना कोरोना काल के बाद फिर से अभी सबको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा दर्शन हो रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या मानता है? मानता अच्छा लग रहा है। कैसी है अच्छी है, अच्छी व्यवस्था भी अच्छा है, पहली बार दर्शन भी अच्छा सा मिला। श्री राम यादव है, मैं वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के सब जोनल आदमपुर सब जोन का, और जलालीपुरा में आज मेरा ड्यूटी लगा हुआ है, और यहाँ पर नवरात्रि का पहला दिन है और मुझे इस मंदिर का साफ। नवरात्रि का पहला दिन है तो किस मंदिर में आप सफाई व्यवस्था? शैलपुत्री माता मंदिर पर आज नवरात्रि के पहले दिन साफ सफाई का मुझे जिम्मेदारी मिली है और मैं इसे अच्छे तरह से निर्वहन कर रहा हूँ। और हमारे कर्मचारी सुबह 6 बजे से यहाँ पर आकर के जो भी पूजा पाठ का सामान है उसको उठा रहे हैं, जैसे फूल माला जो भी उठा करके हम इसको बाहर। कार्यक्रम कराया जा रहा है वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के तहत, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।